डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब ऑल्सो अभी तक जो होते आया है एक दो दिन में उसको लेके आई एम वेरी मच डिस्टर्ब बट स्टिल आई एम हियर एंड मेरा कभी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आई वुड गो अगेंस्ट मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं रह गया इट इज द मैटर ऑफ माई ऑनर नाउ सो आई हैड टू कम फॉरवर्ड आई फील दैट कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्मार्टली डायरेक्टिंग दिस इश्यू ऑन मी एंड तातु बुनिया द रेनिंग मिस अरुणाचल 2024 ना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके दे आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस और ये अटेंशन को मेरा ऊपर और तादु लुनिया का ऊपर में लेके आ रहा है एंड ट्राइंग टू ऑर्केस्ट्रेट हेट बिटवीन अस एंड ऑल्सो देयर सपोर्टर्स दे नेवर अंडरस्टूड माई ग्रीवेंसेस कि मेरा दुख एग्जैक्टली क्या था वो लोग कभी समझ नहीं पाया आई नेवर सेड कि वन फॉर एजुकेशन को मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन या फिर तादु लुनिया उसको इनिशिएट किया आई नेवर सेड दैट आई नेवर सेड वन फॉर एजुकेशन उन्होंने इनिशिएट किया बट व्हाट आई वांटेड टू से एंड व्हाट आई सेड वाज कि जो कॉज है स्कूल रेनोवेशन का अमंगस्ट द मिस अरुणाचल आई वाज द वन हु इनिशिएटेड इट उसको शुरू हम किया था ये हम बोलना चाहता था एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कोई भी कंटेस्टेंट पैजेंट विनर या फिर जनरल पब्लिक से भी अगर कोई ये कोर्स को आगे लेके जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन लेकिन सिंस वी आर ऑल अंडर द सेम अम्ब्रेला इट विल डेफिनेटली क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दिस नाउ वन फॉर एजुकेशन का नाम को बार बार ले लेके दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रे एरिया एंड वर्क प्ले द सिचुएशन सम माइट ऑल्सो से कि आई शुड हैव वेटेड कि नेशनल पैजेंट मिस रेनिंग मिस अरुणाचल फेमिना मिस इंडिया अरुणाचल प्रदेश जो रेनिंग है उनका पैजेंट खत्म होने के बाद में हमको ये इशू को लेके आना चाहिए था अभी उसको थोड़ा हैम्पर हो रहा है ये भी एक पॉइंट है बट तब जब बाद में वो जो ये इशू को वो विन जीतने का बाद में अगर ये इशू को हम लेके आने से फिर हमको ये बोलना था कि जब शुरुआत में ये हो रहा था तो आप कहाँ था तब क्यों नहीं ये बात को आगे लेके आया एंड द सिचुएशन हैव गॉटन वर्स देन रिपरकशंस उसका कुछ ज़्यादा ही होना था और जो फोटो शेयर को लेके जो बहुत लोग बोल रहा है जो पोस्ट था दैट वॉज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग इन मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइज इन मिस अरुणाचल ऑफिशियल पेज मिस अरुणाचल को ऑफिशियल पेज में जो सरफेस हो रहा था आई सिंपली शेयर दैट पोस्ट क्योंकि वो पोस्ट में कैप्शन लिखा था कि इनिशिएट किया गया है स्कूल रेनोवेशन का प्रोजेक्ट ये सबको लिखा गया था इसलिए हम उसको आगे जाके शेयर किए एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें मिस दादू दुनिया का फोटो भी आ गया था बट इट वॉज ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सो आई हैड टू शेयर दैट एंड साथ में ऑब्वियसली कैप्शन को अकेला नहीं कर सकता है शेयर आई हैड टू शेयर द वीडियो ऑल्सो एंड मे बी माई अप्रोच वॉज इनकॉल्ड फॉर एंड द ओनली पर्सन दैट आई एम अपोलोजेटिक टू इज मिस तादु लुनिया क्योंकि वो मेरा और ऑर्गेनाइजेशन का बीच में जो इशू है उसका बीच में उसको सफर करना पड़ रहा है शी इज द कोलेटरल डैमेज आई रिस्पेक्ट हर एंड आई एडमायर हर एंड इनफैक्ट जब वो मिस अरुणाचल जीता था तब समय आई वॉज वन ऑफ द जजेस आई रियली रेस्पेक्ट हर एंड आई एडमायर हर हार्ड वर्क एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग पेजेंट आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट हर बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप लोग सब जानो कि ये जो रूट कॉज है रूट कॉज और जो मेंटल टॉर्मेंट से हम जो इतना महीना से गुजर रहा था उसका रीजन क्या है एंड आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट विद इन आर सेल्फ हम आराम से सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया था कैन आई टेक ए ब्रेक इट्स ओके इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग सो आई ट्राई टू सॉर्ट दिस आउट हमारा बीच में ही
मेरा पास लेकिन अभी कुछ ऑप्शन नहीं ले गया, क्योंकि ऑनलाइन में भी हर जगह में भी मेरा ऊपर में मेरा कैरेक्टर का ऊपर में सवाल आ रहा है। आई हैव नो अदर ऑप्शन। मिस अरुणाचल प्लेटफॉर्म ने हमको बनाया है। आई एम वेयर आई एम बिकॉज ऑफ मिस अरुणाचल प्लेटफॉर्म, बट टूडे आई एम हियर टू प्रोटेक्ट माई ऑनर। एंड आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन कि अभी इसका बाद में अभी हम जो नेक्स्ट पॉइंट्स बोलने जा रहे हैं उसको प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉज क्राउन्ड एज मिस अरुणाचल 2021 एंड आफ्टर दैट मेरा एक ईयर मेरा रेन एंड होने का बाद में आई पार्टिसिपेटेड इन फेमिना मिस इंडिया 2022। फेमिना मिस इंडिया 2022 में जाने से पहले हमको मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ये बोला था कि वहाँ में जो भी एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वी हैव टू गो टू मुंबई और मिस इंडिया वहाँ से हम लोग को एक बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स मिलते हैं जिसको हम लोग को वहाँ पे लेके आना होता है। सो फाइनेंशियल बर्डन जो बहुत ज़्यादा था मेरा ऊपर में, तो हमको ऐसे बोले कि अभी आप अपना खुद से इसको हैंडल कर लो और बाद में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का तरफ से आपको वो इंसेंटिव बाद में वापस मिल जाएगा, हमको ये बोला गया था। सो विच आई एग्रीड टू। एंड ये भी बोला गया था कि 10 लाख ऑफ इंसेंटिव जो आएगा उसमें से 30% ऑर्गेनाइजेशन जो कट कर लेगा, दैट टू आई अग्रीड। एंड दिस इज नॉट पेमेंट, दिस इज एन इंसेंटिव। आई वॉन्ट टू स्ट्रेस, वेन आई वॉज वर्किंग एज द रेनिंग मिस अरुणाचल, बहुत सारा प्रमोशनल एक्टिविटीज आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। मेचुका एडवेंचर स्पोर्ट प्रोग्राम, एयरगन सरेंडर, सांगो होंडा प्रमोशनल इवेंट, टिल डेट आई हैव नॉट रिसीव एनी पेमेंट एंड आई डिड नॉट टेक दिस फर्दर, क्योंकि हमको लगा था कि ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रेनिंग मिस अरुणाचल, सो आई शुड नॉट स्ट्रेस इट टू मच। बट अभी हम जो बोल रहा है इंसेंटिव का बारे में, दिस इज लाइक एन रीएम्बर्समेंट। मेरा फैमिली, अच्छा फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, इसलिए मेरा फैमिली मेंबर्स मेरे रिलेटिव हमको पैसा जमा करके हमको फेमिना मिस इंडिया के लिए आके भेज पाए। बट अगर ये कोई इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से होने के लिए, आप खुद ही सोचिए कि वो आज कौन सा पोजीशन में होना था। 4 अक्टूबर 2023 को मेरा सैंक्शन ऑर्डर रिलीज हो गया था एंड रिलीज का जस्ट थोड़ा देर में आई कॉल्ड टाई रॉकेट सर एंड आई आस्क हिम कि आप लोग मेरा इंसेंटिव कब हमको ट्रांसफर कर देगा मेरे अकाउंट में। सिंस ये बहुत बड़ा अमाउंट है गवर्नमेंट का, ये जो डायरेक्टली मेरा पर्सनल अकाउंट में नहीं आ सकता है, दिस हैज टू कम टू एन एनजीओ अकाउंट फर्स्ट, तो वहां से कब मेरा अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देन ही सेड कि का मंडे तक हो जाएगा क्योंकि अभी वीकेंड है, आई सबमिट टू यू बाय वीकेंड मंडे, हमको ये बोला गया था। एंड हमको ये भी बोला था कि 30% वो लोग काट लेगा एंड ऑल्सो 40 और 60,000 का जो अमाउंट है वो जो ऑफिस चार्ज में भी कट गया है। आई सेड कि सर जैसे भी हो, जस्ट मेरा जितना कट है आप उसको हमको दे दो, हम बस यही बोला था और कुछ नहीं बोला था। व्हेन मंडे केम आई आस्क्ड हिम सर क्या मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, तो उन्होंने बोला कि अभी वो और चेयरमैन किपा निभा सर, टाई रॉकेट सर एंड किपा निभा सर ने दोनों पैसा को यूज कर लिया है, आपको फेबरी नहीं तो मार्च में उसको दे देगा। टू विच आई ऑल्सो अग्रीड कि आई वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद में जब फेबरी मार्च आ गया, देन दे सेड कि अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, अभी तुमको नहीं दे पाएगा, इलेक्शन का बाद में विल श्योरली गिव इट टू यू, दैट ऑल्सो आई एक्सेप्टेड। इलेक्शन का बाद में ये चीज का बारे में हम फिर से उनको पूछा है, तो धीरे धीरे वो लोग करके मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया एंड एक दो बार जब कॉल उठाता कॉल बैक करेगा बोल के कभी नहीं किया। एंड जब हम ये इशू को ऑर्गेनाइजेशन का बीच में रेस करने के लिए करते हैं, तभी वो लोग मेरा ऊपर में भड़क जाता है कि हाउ कैन आई डू दिस, ऑर्गेनाइजेशन में सबका सामने में कैसे ये कर सकते बोल के हमको ही मैनिपुलेट किया, हमको ही कैपलाइट किया कि हाउ कैन यू डू दिस, ऐसा कैसे कर? ये एक हाई पॉइंट में हर रोज उन लोग का रिप्लाई आता था। आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि आगे मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम समझ में नहीं आ रहा, सो आई थॉट कि ये चीज़ को हम डिपार्टमेंट लेके जाएगा। सो ऑन 18 जुलाई 2024 आई वेंट टू कलेक्ट माई सेंक्शन ऑर्डर। अक्टूबर 4 2023 को ऑलरेडी मेरा सेंक्शन रिलीज हो गया था, पैसा आ चुका था, बट 18 जुलाई 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जाके आई गॉट माई सेंक्शन ऑर्डर।
और वहां में आई मेट द डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स को भी मिला एंड ही सेड कि आप लोग इसको ही विल ऑल्सो ट्राई टू टेल देम कि जितना जल्दी हो सके उसको कर दो एंड सॉर्ट दिस इशू आउट, वो जितना जल्दी हो सकेगा बोलेगा बोला है. एज सून एज आई गॉट आउट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, हमको जो इंसान जो लोग कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरा मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, हमको कॉल बैक नहीं किया, वो लोग का डायरेक्टली जैसे ही ऑफिस से निकला आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम टाई रॉकेट सर, द MD ऑफ मिस अरुणाचल. ही सेड कि ही मैसेज में एक्चुअली 1 वीक में आपका इंसेंटिव आपको दे देगा. एंड किपा निवा सर टू कोट हिम ही सेड कि तेंगाम तुम डिपार्टमेंट में पहुंच गया, तुम इतना गिर गया. टू कोट हिम दिस आर हिज वर्ड्स, हमको उसे बोला गया था. दे वर वेरी एंग्री कि हम जो चीज़ को डिपार्टमेंट में लेके गया, दे वर वेरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था. एंड दे न्यू कि जो स्कूल रेनोवेशन का इनिशिएटिव है जो जिसको हम स्टार्ट किया था, वो मेरा दिल का बहुत क्लोज है एंड आई वॉन्टेड टू यूज़ ये इंसेंटिव फॉर माय प्रोजेक्ट, जो कि अभी तक भी थर्ड स्कूल को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट अभी तक भी पेंडिंग है मेरा, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर माई इंसेंटिव, अभी तक पूरा नहीं कर पाए. दे वर वेल अवेयर कि इट वॉज क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वॉज वेटिंग फॉर इंसेंटिव. सो आई फील कि मे बी टू इंस्टिगेट मी वो लोग ऐसा पोस्ट डाला है एंड दे न्यू कि आई विल रिएक्ट दिस वे और मेरा तरफ से ऐसा रिएक्शन आ सकता है. सो एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज मेरा अंदर से ये रिएक्शन लेके आने के लिए उन लोग ने ऐसा किया है. एंड बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस क्योंकि ये कॉन्फिडेंट ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है. आई एम स्टिल गिविंग इट द बेनिफिट ऑफ डाउट. यस्टरडे क्या हुआ कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का जितना मेंबर्स है मेरा रेसिडेंस में आया विदाउट एनी प्रायर नोटिस और वो लोग 4-5 लोग आया एंड आई वॉज अलोन. मेरा घर पे कोई नहीं था, मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं था तब समय. आई वॉज अलोन. उन लोग 5-6 मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन से चेयरमैन किपा निवा, ताइरोकेट सर डी MD, माइर टाइपोडिया, दुईर अते एंड तोको मिचू, ये लोग 5 लोग मेरा घर आए. देन आई सेड कि हम आप लोगों को बात करने का अभी स्टेटमेंट नहीं, बिकॉज आई वॉज फीलिंग थ्रेटन्ड. आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी इंटिमिडेटेड कि आई डिड नो कि क्योंकि मेरा थर्ड पार्टी विटनेस भी नहीं है, मेरा साथ में क्या हो सकता है. आई डिड नॉट नो एनीथिंग. बट टोको मिजू से मेरा अच्छा रिलेशन है, सो आई टोल्ड हर कि प्लीज़ इनको बोलिए कि आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू देम राइट नाउ, आई एम नॉट इन द स्टेट, आई एम फीलिंग वेरी इंटिमिडेटेड, वेरी थ्रेटन्ड और मेरा कोई भी एल्डर्स नहीं घर पर, आप प्लीज. बट दे स्टिल ट्राई टू परसुएट मी, बात करने के लिए हमको बहुत परसुएट करने का कोशिश किया. बट आई सेड कि मेरा घर में कोई एल्डर नहीं है, हम नहीं बात कर सकते हैं. सो आई फील कि अभी तक जितना भी चीज़ होते आ रहा है इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर एंड आई एम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड. हम कभी नहीं चाहता था कि हमको ये स्टेप लेना पड़े. आई नेवर वॉन्टेड टू डू दिस, बट अभी बात मेरा ऊपर आ गया, मेरा ऑनर का ऊपर आ गया, मेरा प्राइड का ऊपर आ गया. आई कैन नॉट टेक दिस लाइटली एनी मोर. So I'm taking the matters legally. I have my legal advisors with me and today in front of media fraternity, also the viewers, I'm sending a legal notice to them and I will only meet them or talk to them in presence of third party witness, parents or my legal advisor and with the cameras on. And they are also free to refute. अभी हम जैसे बोला है कि ये अभी सिर्फ पैसा का बात नहीं है, लेकिन ये एस्केलेट होके अभी अलग अलग चीज में बदल रहा है. इट इज नॉट द मैटर ऑफ मनी एनीमोर, इट इज द प्राइड, इट इज द मैटर ऑफ माय ऑनर एंड आई एम ओनली टेकिंग दिस स्टेप टू सेफ गार्ड माय ऑनर. और हम नहीं चाहता है कि ये सेम चीज आगे जाके दादू लुनिया या फिर आगे कोई भी जो अरुणाचल को फेमिना मिस इंडिया या फिर कोई भी नेशनल पैजेंट में वो लोग रिप्रेजेंट करें अरुणाचल को. हम नहीं चाहते कि उन लोग को भी ये सेम चीज़ से गुजरना पड़े जो हम आज गुजर रहे हैं. ये जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल हरासमेंट, ये सब जो हो रहा है, आई डोंट वांट कि ये किसी का साथ में हो. एंड दिस इज फॉर मी कि एज अ फॉर्मर मिस अरुणाचल अभी मेरा साथ में ऐसा हो सकता है तो आप सोचिए कितना लोग का साथ में अंदर ही अंदर और बहुत कुछ हो रहा है.
हम आगे आके बोला है ये बात को, रखा है ये बात को, जितना हो सके मेरे साथ से किया है। बट आई नो कि ऐसा बहुत सारा पेजेंट कंटेस्टेंट है, लड़कियां हैं हु आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, बट इट इज देयर विश कि अगर उनको आगे आना है कि नहीं आना है। बट आई एम हियर ओनली टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर ऑल द फ्यूचर मिस अरुणाचल हु आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।